वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनु और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ जो कि कोविड से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कोविड बहुत ही ज्यादा मतलब हर जगह ही प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। तो इसका एक ही उपाय, इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है कि लाइक जिससे एकदम तरीके से सही हो जाए। इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि आप घर पे रहें, मास्क पहने, टाइम टू टाइम अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और घर पे रहे। मतलब यही सारी चीजें हैं जो कि आपको करनी है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जो सैनिटाइजर यूज करते हैं उसमें अल्कोहल है, और बहुत कुछ ही टाइम पहले है ना ये न्यूज आया था कि किसी ने, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है तो जो हमें बैक्टीरिया को मारता है, तो कुछ लोगों ने उसको पी लिया था जिससे उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसा काम बिल्कुल भी कोई ना करे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपके साथ कुछ अलग सी चीज शेयर करूं, जैसे अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल दीज थिंग्स लाइक सैनिटाइजर, ये सारी चीजें। तो आप सभी को पता है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, तो हम कैसे अल्कोहल की हेल्प से कोविड को खत्म करें। मतलब खत्म तो मुझे लगता है कि अभी ऐसे हो सकता है जब तक कि हम है ना खुद से प्रिकॉशंस ना लें। एक्चुअली क्या है कि हम लोग खुद ही उसको ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। हम लोग खुद बाहर जाते हैं, कुछ लोग मास्क नहीं पहनते हैं, सैनिटाइज नहीं करते खुद को, तो इसी वजह से होता है कि वो और ज्यादा फैलती जा रही है। लेकिन जो अल्कोहल एक ऐसा तरीका है कि जिससे कोविड जो भी हमारे अंदर बैक्टीरिया गई है वो उससे खत्म हो सकती है। तो मैंने सोचा कि मैं वो आपके साथ शेयर करूं। तो आप सभी को पता है कि अल्कोहल पीने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मतलब एक्सेस अमाउंट में पीने से तो ऑब्वियसली नुकसान ही होगा, लेकिन अगर अल्कोहल की कुछ बूंदें अगर हमारे अंदर जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ नुकसान होगा। और अगर ये कहा जाए कि दो तीन बूंद अंदर जाने से बैक्टीरिया खत्म हो सकता है तो क्यों ना यार, वो तो जाहिर सी बात है हम कर सकते हैं। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसको करने से कोविड थोड़ा सा खत्म हो सकता है, मुझे जहां तक लगता है काफी बेनिफिशियल है। मुझे रोज हमारे घर पे ये चीजें ट्राई होती हैं, मतलब लंग्स की एक्चुअली। जैसे कि आपको पता है कि हम अगर अल्कोहल पी लेते हैं तो बहुत ज्यादा पी लेंगे तो नुकसान करेगा, लेकिन कम अगर हमारी दो बूंद जाते तो नुकसान ही करते। तो मेरे पास एक तरीका, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी आपके पास जो स्क्रीन पर दिख रही है जो चीजें, तो वैसी चीजें मैंने ढूंढी तो मेरे को नहीं मिला, क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन चल रहा है तो अभी मिलेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उससे रिलेटेड वैसे टाइप की चीजें बनाई थी जिसमें हम वैसे यूज कर सके, पंप कर सके। तो मैंने यहाँ पे एक चीज बनाई है जिसकी हेल्प से हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये डिब्बा है एंड देन मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट उसको लगा दिया। ये है पाइप। तो इसमें क्या करना है कि एक छोटी पाइप लेनी है और एक बड़ी, मैं इसको हटा देती हूँ। तो इसमें क्या करना है कि एक छोटी पाइप लेनी है और एक बड़ी पाइप लेनी है। तो जो छोटी पाइप है उसके बाद क्या करना है कि प्योर अल्कोहल जिसमें कोई मिलावट ना हो, ना वाटर, कुछ भी नहीं, एकदम प्योर होना चाहिए। तो यहाँ पे उतना ले लेना है, पूरा डिब्बा नहीं भरना है जो भी आप यूज करें। अगर आपके पास जो मैंने दिखाया, अगर आपके पास वो है तो आप उसमें भी पूरा नहीं भरना है, इतना ही भरना है। एंड देन आपको क्या करना है कि जो छोटी वाली पाइप है उसको डिप कर देनी है अंदर तक एकदम, और जो बड़ी वाली पाइप है उसको थोड़ा सा अल्कोहल के जो लेवल है उसे थोड़ा सा ऊपर करना है, और उसके बाद से यहाँ पे उसको चिपका देना है। आप किसी चीज का यूज कर सकते हैं, मैंने तो ऐसे पेस्ट कर दिया जैसे भी, तो फेविक्विक से भी आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है, और हाँ याद रहे कि आप उसको किस चीज से कवर डेली जरूर कर दे ताकि उसका जो महक है वो उड़ ना जाए इसलिए। और उसके बाद आपको करना क्या, मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। तो आपने अभी देखा कि मैंने कैसे किया, ऐसे करना है आपको अंदर की तरफ सक करना है ताकि इसमें जो भी बबल्स हो रहे हैं, बबल्स के थ्रू हमारे अंदर जो गैस जा रही है उसमें अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं जा रही, लेकिन जो गैस जा रही है हमारे लंग्स तक जाएगी। और उसके बाद क्या करना है हमें, उस जितनी भी बैक्टीरिया है उसको आपको मुंह के रास्ते नहीं छोड़ना है, जब आप इसको ले रहे हैं उसके बाद नाक के रास्ते छोड़ना है ताकि जो भी बैक्टीरिया हमारे नाक के थ्रू ये गैस पास करेगा तो जो भी बैक्टीरिया वहां पे होंगी वो भी मर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, और लंग्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आई थिंक आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, और अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ ताकि इस पर गैस न जाए, क्योंकि हमारे घर पे सब लोग ये ट्राई करते हैं, डेली ट्राई करते हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मुझे लाइक इसकी महक बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे पहले स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती, बट उसके बाद मेरी आदत पड़ गई कि मैं थोड़ा बहुत कभी कभी कर लेती हूँ, बट ज्यादा मुझसे नहीं हो पाता। मुझे बहुत ही गंदी स्मेल आती है इससे, जबकि मैं इसको वो नहीं करती हूँ फिर भी।
तो आई थिंक ये काफी अच्छा तरीका है, आप लोग भी ट्राई कीजिए और बताइए कि क्या आपको कैसा लगा ये। मुझे तो बहुत ही बेनिफिशियल लगा, बहुत अच्छा लगा, और या ऑब्वियसली अच्छा भी है, आप ट्राई कर सकते हैं। सो इतना ही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।